Seekers, I'm glad you found me today. My name is Imani and you're watching First Comes My Baby. कैसे आप सब? I hope आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे. And 3 weeks now, almost. और हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं हेल्दी रहने की. इतनी भयंकर एंजाइटी हो रही थी, यू वोंट बिलीव गाइस. आई थिंक आई हैव शेयर्ड इट अर्लियर दैट आई एम फेसिंग एंजाइटी इशूज और मैं बहुत जल्दी एंशियस हो जाती थी किसी भी चीज़ को लेके, जो कि आफ्टर डूइंग मेडिटेशन, मैंने 10 डे का कोर्स किया मेडिटेशन का, बहुत ही ज़्यादा कम हो गया. एंड आफ्टर दैट आई हैव डिसाइडेड दैट आई विल स्टार्ट लिविंग माई लाइफ यू नो हेल्दियर, बिकॉज बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी मेरे को, बहुत ज़्यादा. मैंने सोचा कि let's do it guys and let's just concentrate on health first and then weight loss. जैसे मैं हमेशा से स्टार्टिंग मतलब मैं जुम्बा वगैरह मैं कर रही थी, बट मेरे को उससे इफेक्ट नहीं बैठा था और बहुत टायरिंग भी हो रहा था मेरे लिए जुम्बा, तो बीच में मैंने उसको पे पॉज दे दिया था. बट आई वॉज फॉलोइंग द डाइट, उससे भी इतना फ़र्क नहीं पड़ा था. लाइक मैं काफ़ी टाइम से एक्सपेरिमेंट कर रही थी एंड डाइट वगैरह ले रही थी, बट डाइट में मैं वेजीज़ वगैरह बहुत सारे खा रही थी, बॉयल्ड, रोस्टेड, ग्रिल्ड, हर तरह के वेजीज़ खा रही थी. बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो द फूड साइंस गाइस. ऐसे तो दोनों पैरेलल चलती हैं, बट अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो एंड डाइट नहीं कर रहे हो तो सब कुछ बेसलेस हो जाता है, वर्दी नहीं रहता. जितनी भी आपने लगाई है सब बेकार हो जाती है इफ़ यू आर नॉट डूइंग डाइटिंग. तो डाइटिंग इज़ रियली इम्पॉर्टेंट फॉर वेट लॉस एंड फॉर इम्प्रूविंग योर हेल्थ बेसिकली. एंड तो मैंने डाइटिंग करी थी. डाइटिंग में मैं कार्ब्स पे मतलब मेरे को पोर्शंस का हिसाब नहीं हो रहा था. फिर मैं वीडियोज़ देखी यूट्यूब, खूब सारी वीडियोज़ बियर बाइसेप्स एंड ये सब चीज़ों की वीडियोज़ देखी मैंने, बहुत हेल्पफुल वीडियोज़ थी, बहुत ज़्यादा. फिर मैंने सोचा मैं कीटो डाइट करूँगी, क्योंकि कीटो डाइट कोई ना कोई आपको फॉलो करनी चाहिए, जीएम डाइट हो, चाहे कीटो हो, चाहे इंटरमिटेंट फास्टिंग हो, इनमें से मतलब सब चीज़ें आप लोगों को फोकस करके करनी चाहिए और तभी फ़ायदा होता है. ऐसा नहीं अपनी मर्जी से डाइटिंग करो. नो, इफ़ यू आर स्टार्टिंग डाइटिंग या फिर वेट लॉस या फिर जो भी कुछ आप स्टार्ट कर रहे हो हेल्थ से रिलेटेड, आपको सबसे पहले वेइंग मशीन आपके घर में होनी चाहिए. एंड क्योंकि आपको आपकी हाइट वगैरह होनी चाहिए, इंची टेप होनी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए आपके घर में, सो दैट आप ढंग से अपना वेट नाप के स्टार्ट कर सको. तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, क्योंकि जैसे जैसे ग्रेजुअली वो 100 grams का भी जब फ़र्क आएगा ना, तो आप मोटिवेटेड फील करोगे और बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आएगी और आपको और कम करने का मन करेगा, फिर और कम करने का मन करेगा. इस वजह से वेइंग मशीन, आपका वेट नापने वाली मशीन होनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों के पास. इफ़ यू थिंग टारगेट रखो, लाइक मेरा टारगेट है मुझे 8 months में अराउंड 25 to 30 kgs लूज़ करना है. ये मेरा 8 to 11 months में ये मेरा टारगेट है. तो एक लॉन्ग टर्म टारगेट आपको रखना है, यानी कि अभी नहीं कि 1 हफ्ते का 2 हफ्ते का मत रखो, एक लॉन्ग टर्म टारगेट रखो. चाहे इवेंट सोच लो, चाहे कुछ भी लाइक सोचो, बट एक टारगेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिफोर स्टार्टिंग लूजिंग वेट. और फिर आप घर पे करोगे, जिम में करोगे, ये सब चीज़ें भी आपको सोचनी एंड प्लान करनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. चूज़ कीटो फर्स्ट, बट वेजिटेरियन के लिए कीटो इज़ नॉट पॉसिबल. बिल्कुल भी कीटो डाइट मत करो इफ़ यू आर वेजिटेरियन, स्पेशली प्योर वेजिटेरियन मेरे जैसे, क्योंकि मैं एग्स खाती हूँ बट मैं ऐसे नहीं खा पाती हूँ. लाइक साल में कभी एक बार मैंने खा के टेस्ट करके देख लिया तो ठीक है, वरना फिर मेरा देख के ही यू नो थोड़ा सा मेरे को अजीब हो जाता है. तो इस वजह से कीटो डाइट सिर्फ उन लोगों के लिए है जो मीट खा सकते हैं, क्योंकि वाइट मीट उसमें बोला जाता है विच इज़ रिच इन प्रोटीन. कार्ब्स बोले जाते हैं, बट नहीं सॉरी, कार्ब्स कम करके फैट, कार्ब्स सिर्फ 20% खाए जाते हैं, फैट एंड प्रोटीन की मोस्ट ऑफ द डाइट होती है, विच इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी. तो मैंने उसको स्किप करा. फिर मैं आई इंटरमिटेंट फास्टिंग पे. तो इंटरमिटेंट फास्टिंग जो होती है वो बहुत अच्छी है बहुत अच्छी नहीं बोलूँगी, लाइक वेजिटेरियंस के लिए कोई डाइट नहीं है, बट फिर भी ठीक है, मच बेटर देन कीटो डाइट. तो मैंने इंटरमिटेंट फास्टिंग का सोचा और मैं कर भी रही हूँ. इट्स बीन अ वीक नाउ एंड मैं प्रॉपर फॉलो करती हूँ. मैंने 1688 वाला 168 होता है, मतलब 16 घंटे फास्टिंग और 8 घंटे आप खा सकते हो, विंडो आपकी 8 घंटे की रहेगी, जिसमें आपको पूरा अपने कार्ब्स लेनी है, फैट्स, फाइबर्स, आयरन, कैल्शियम सब कुछ लेना है, विंडो रहती है उसमें आपको खाना है. फिर आती है 20 और 4 की, दैट मीन्स 20 घंटे आपको फास्टिंग रहनी है, 4 घंटे खाना है. तो इस तरह की आती है, फिर एक एक दिन करके छोड़ के आती है. वो प्रॉपर डिटेल मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगी, बट मैंने क्योंकि मुझे बहुत सिंपल लगी कि मैं 10 बजे तक खा लूंगी रात के, और 2 बजे के बाद फिर मैं खाऊंगी खाना दोपहर के.
लेमन वाटर हनी के साथ यू कैन टेक नॉर्मल वाटर, आपको बहुत सारा पीना है, बहुत सारा, बिकॉज ये जो 16 आवर्स विदाउट ईटिंग वाला जो है ना फास्टिंग वाला, उसमें आपका मसल लॉस ना हो जाए, इसलिए यू नीड टू ईट अ लॉट ऑफ, यू नीड टू ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर. जो मेन डाइट होगी, जैसे मैंने यहाँ पे, मैं जब भी अपना फास्ट खोलती हूँ जो इंटरमिटेंट फास्टिंग वाला फास्ट है, उसमें मैं घी से स्टार्ट करती हूँ, आधा चम्मच घी लेती हूँ, उसके बाद थोड़ा सा सैलेड या फिर वेजीज वगैरह लेती हूँ, बिकॉज दे सेज कि यू नीड टू ईट हेल्दी. आपकी मील रहेगी वो या तो रिच इन कार्ब्स एंड प्रोटीन होगा या फिर प्रोटीन एंड फैट होगा. तो मैं प्रॉपर एक वेज थाली लेती हूँ, जो नॉर्मल राइस होता है, रोटी होती है, दही होती है, सैलेड तो मैं एक बार मतलब पहले ही ले लेती हूँ, बट एक प्रॉपर बैलेंस डाइट मैं उसमें खाती हूँ. उसमें कार्ब्स भी मिलते हैं मेरे को रोटी की फॉर्म में, राइस की फॉर्म में मुझे फाइबर मिलता है राइस एंड अगैन रोटी की फॉर्म में. उसके बाद फिर मुझे प्रोटीन मिलता है फ्रॉम दाल, तो ये सब चीज़ें दाल वगैरह मैंने, जैसे राजमा आज मैंने खाया था. सबसे बड़ी बात है ना, अगर आप दाल भी खाओगे उसमें भी कार्ब्स है, तो यहाँ पे ये गड़बड़ हो जाती है हम वेजिटेरियन लोगों के साथ. पनीर पे आती हूँ, पनीर खाती हूँ रात को या फिर दिन में सब्जी के साथ, बट बार बार पनीर नहीं खा सकते आप लोग डेली, बट स्टिल इट्स गोइंग गुड, बिकॉज उसके बाद फिर मैं अपने ना कार्ब का इंटेक कम कर देती हूँ. लाइक उसके बाद मैं चाय लेती हूँ ना, चाय के साथ सिर्फ मैं एक चम्मच, एक टीस्पून, वन टीस्पून, छोटा चम्मच, दैट मीन्स मैं लेती हूँ पीनट बटर, जिसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा है बट कार्ब्स अभी भी है. तो चाय मैं लेती हूँ क्योंकि उसमें चाय अलाउ करते हैं आप लोगों को, बस उसमें यह ध्यान रखना है चीनी थोड़ी कम हो, तो इट विल डू गुड फॉर यू, नो हार्म इन दैट, बिकॉज आप ऑलमोस्ट लाइक 16 आवर्स आप बिल्कुल बिना खाए पिए रह रहे हो, पिए तो नहीं बट हाँ खाए रह रहे हो, तो उसको आपको बैलेंस करने के लिए यू कैन हैव टी, क्योंकि उसमें दूध भी है. यस ऋषि, मम्मा मेकिंग वीडियो. आ गई आ गई आ गई आ गई आ गई शैतान की रानी. तो ये चीज़ है. उसके बाद फिर रात को मैं कार्ब्स नहीं लेती बिल्कुल भी, लाइक ऑब्वियसली दाल वाल जो लेती हूँ या सब्जी लेती हूँ उसमें कार्ब्स होती है, बट एक प्रॉपर लाइक वेट 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 तो जो कार्ब्स होती है वो मैं क्या बोलते हैं उसको, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लेती हूँ. भाई मैं बहुत साइंस के ये वाले वर्ड्स या मामू डॉट यू, मामा डॉट यू, मामू डॉट यू, शी सेइंग दैट इज येलो कलर एंड दिस इज छोटू से तो हैंड है आपकी एंड द वॉच इज सो बिग, हाउ यू गोना वेयर, वेट लेट मी, वेट वेट वेट, चल जितो तो ट्विंकल ट्विंकल सुना देते मामा फिक्स कर रही हूँ. गिमी 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 से जस्ट लाइक माशा भैया, गिमी 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 से लाइक माशा भैया. She's not watching. Happy, happy, okay. No. Now, can I talk? No. Yes. Can I talk? Yes. कहाँ पे थी मैं? तो रात का जो डिनर होता है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी. मैं या तो सैलेड रखती हूँ या मिक्स वेज रखती हूँ, बॉइल्ड वेज, बॉइल्ड वेजिटेबल या रोस्टेड या ग्रिल्ड. डिनर टाइम. ओ विच टाइम इट इज डिनर टाइम. तो मैं ऐसे कर रही हूँ. और हाँ, एक ग्लास दूध ज़रूर पीती हूँ, दो टाइम में सकती हूँ, बट वो जो दूध है वो टोन मिल्क होना चाहिए, फुल क्रीम नहीं होना चाहिए. दैट इज़ द ट्रिक एंड दैट्स इट. शाम को सिर्फ यही, ना रोटी खाओ ना चावल खाओ, नथिंग. एग खा सकते हो, एग खा लो ऑमलेट बना के, चीला खा सकते हो, बट इट इज़ अगैन रिच इन कार्ब्स, बट इट हैज़ प्रोटीन ऑल्सो, तो इट विल लाइक सम हाउ बैलेंस योर होल डे प्रोटीन, यू नो, God bless you, whole day protein levels and carbs levels tell you it will remain high, because from last few days I'm following proper diet, but still my carbs levels are high, but not as much as protein mera fir bhi high rehta hai, thank God, but this is what we can eat guys, we don't have any you know options left, because हर चीज़ में प्रोटीन, हर चीज़ में कार्ब्स है, प्रोटीन की चीज़ में भी कार्ब्स है, दाल में, सब्जियों में. यू वोंट बिलीव, कैरेट हैज़ कार्ब्स इन इट, पोटैटो तो ऑब्वियसली यू नो, बट कैरेट, कैप्सिकम, इवन गोभी है सो मच कार्ब्स कि आप लोग जब आप डालोगे ना, लाइक हर चीज़ का आपको पहले कंटेंट वो आना चाहिए, व्हाट वी से पोर्शन आना चाहिए, लाइक उसमें कितना क्या क्या है, तब जाके मैं पता क्या करती हूँ. मैं एक और ट्रिक करती हूँ, हाँ एक और टिप देती हूँ फटाफट. ऐप ज़रूर डाउनलोड कर लेना, मैं हेल्दी फाइम ही कर रही हूँ, मुझे सही लग रही है. मैंने कोई भी उस पर पे वो नहीं किया क्योंकि वो बहुत कॉल्स करते हैं. मैंने कोई भी पे वाला प्लेटफॉर्म यूज़ नहीं किया उसका, सिर्फ फ्री वाला कर रही हूँ, बिकॉज अभी लेट मी सी हाउ मच आई कैन हैंडल इट एंड उसके बाद मैं करूँगी. येलो
वो येलो वो पिंक नो नो कंफ्यूजिंग यू आर कंफ्यूजिंग मम्मा मम्मा शी इज सेइंग मम्मा लिपस्टिक पिंक वो पिंक वो येलो या दैट इज कम से कम 500 कैलोरीज बर्न करती हूँ डेली बिकॉज मैं 8,000 स्टेप अब मेरा 8,500 पहुँच गया है। मैंने स्टार्टिंग 6,000 स्टेप से कुछ से गई थी और धीरे धीरे क्योंकि आप जब उसको यू नो ट्रैक करते हो ना स्टेप्स को तब आपको पता चलता है कितने स्टेप्स चल रहे हो। तो मैं डेली आधा घंटा सुबह आधा घंटा शाम करती हूँ जिससे मेरी 400 कैलोरीज हो जाती है और उसके बाद मैं 10 या 20 मिनट्स का कार्डियो करती हूँ। मैं 10 ही का कर पा रही हूँ, मैं 20 का हो ही नहीं पा रहा मेरे से। आई डोंट हैव दैट मच स्टेमिना अभी फिलहाल। 2-3 हफ्ते हो गए, उससे पहले मैं जुम्बा भी करती थी बट मेरा इससे ज़्यादा ऊपर नहीं जा रहा। तो उसमें मैं 50-60 मान लो 70 मान लो ज़्यादा से ज़्यादा, तो ऑलमोस्ट लाइक मेरा 500 कैलोरीज मेरी बर्न हो रही है विच इज़ रियली गुड बिकॉज एप्स होती है ना ये आप लोगों को एक टारगेट दे देती है दैट यू हैव टू स्टे इन दिस लिमिट ओनली, यू डोंट हैव टू क्रॉस दिस मच कैलोरीज। अगर आपको अपना मसल मास बढ़ाना है तो आप कैलोरी के ऊपर खा सकते हो जो दिया गया है। अगर आपको वेट लॉस करना है तो आप यू ऑलवेज हैव टू रिमेन अंडर दैट लिमिट कैलोरी की। तो जो अगर जैसे लाइक वेट के अकॉर्डिंग होता है फॉर दैट यू नीड टू रियली यूज़ द ऐप, उससे आपको पता चल जाएगा आपका BMI कितना है, आपकी हाइट कितनी है, उसका मतलब सब कुछ आ जाएगा। एंड आफ्टर दैट यू कैन सी हाउ मच कैलोरी यू कैन टेक पर डे। तो मेरा यही आता है और मेरा बहुत कम नहीं रहना चाहिए आप लोगों का लेवल, हल्का कम रहना चाहिए कैलोरी का, तब जाके आपका जो फैट है वो बर्न होगा। एंड लेट मी टेल यू आई हैव लॉस्ट 1.5 kg फॉर लाइक आई वॉज डूइंग इट्स बीन 3 weeks। 3 weeks में मैंने सिर्फ 1.5 kg लूज़ किया है बिकॉज इट्स रियली टफ टू लूज़ वेट। जितना आप चढ़ाना आसान है उतना घटाना बहुत मुश्किल है, बट अब लेवल पे आ रहा है धीरे 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 धीरे, तो इट्स गोइंग गुड। एंड बाकी ब्लॉग देखो, ब्लॉग देख के आपको पता चल जाएगा वॉट आई एम डूइंग एंड वॉट आई एम फॉलोइंग एक्चुअली। तो स्टे कनेक्टेड, डू हिट द लाइक बटन अगर आपको वीडियो पसंद आए, डू सब्सक्राइब माय चैनल इफ यू आर न्यू व्यूअर्स, स्टे कनेक्टेड एंड वॉच द ब्लॉग नाउ बिकॉज आज मैंने पूरा रिकॉर्ड किया है मैंने क्या क्या खाया पूरा दिन में। दैट्स इट, फॉलोइंग हर वेट लॉस। और इससे पहले मैं दूसरा कर रही थी बट मुझे अब ये वाला ज़्यादा पसंद आ रहा है बिकॉज इसमें ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है। विदाउट शूज़ कोई एक्सरसाइज मत करो गाइस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू वियर शूज एंड डू एक्सरसाइज। सेकंड सेट स्टार्ट हो गया। जेट प्लेन्स इन द नाइट स्काई विद यू, गेटिंग हाई इन द सनराइज विद यू, getting through all the bad times with you. I wasn't missing a thing, no I do. And now I'm drinking this lemon water. You want game? Okay. Wait. Lemon honey water. What it is? Rishika ne almonds khaye hain. Nha dho liye Rishika. Ready ho chuki hai. Come, you want a phone? I want bahar jana hai, why? Jet planes in the night sky with you. Is it morning? You wanna walk outside? Getting high in the sunrise with you. Getting through all the bad times with you. I wasn't missing a thing, no I do. And चलो लेट मामा। फास्टिंग खुलती है दैट मीन्स 2 बजे क्योंकि 14:03 हो चुका है। तो वट आई विल हैव इज घी, वो भी सिर्फ इतना लाइक बहुत हाफ टी स्पून बिकॉज मुझसे नहीं खाया जाता, विद दिस ल्यूकवॉर्म वाटर क्योंकि ठंडे पानी से आप नहीं निकल सकते हो घी को। तो दिस इज़ लाइक स्टार्टिंग करते हुए आपको कुछ लैक्सेटिव टाइप का कुछ इस तरह का खाना चाहिए बिकॉज इट्स गुड फॉर द, आई विल हैव दिस प्लेट ऑफ कुकुम्बर बिकॉज आपको डायरेक्ट हैवी कुछ नहीं खाना है, फ्रूट्स सैलड्स या फिर वेजीज आपको खानी है। तो बस मैं यहाँ पे कुकुम्बर खा रही हूँ क्योंकि उसके बाद मुझे राजमा चावल खाना है। सो excited for that, that will be my lunch also and I will show you the platter जो भी मैं खाऊंगी वो, क्योंकि I am doing intermittent fasting। ये lunch है राजमा, एक चपाती। I'm having my tea, so this is my tea। normal चाय पी सकते हैं हम लोग intermittent fasting because उसमें आप लोग 16 घंटे का जो विंडो पीरियड है इसमें आप नहीं खा रहे हो, उसके बाद जो 8 घंटे का विंडो पीरियड है उसमें यू कैन हैव दिस शुगर वाली मिल्क वाली लेस शुगर
एंड मिल्क नॉर्मल एंड साथ में 1 teaspoon आई विल हैव दिस पीनट बटर बिकॉज इट इज़ रिच इन प्रोटीन. पीनट बटर हमेशा कार्ब्स में तो रहता ही है बट प्रोटीन में भी रिच रहता है. कितने आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो, 20 कार्ब्स है, 20.3 पर 100 ग्राम सर्विंग्स में एंड प्रोटीन इसमें 25 है, तो अबव कार्ब्स है ये, तो विच इज़ गुड. शुगर 7.7 है, ठीक है, बिना उसका भी आता है, बिना शुगर का भी आता है, वो भी यूज़ कर सकते हो आप इफ यू लव, बट ठीक है चलेगा यार, इतना तो कर रहे हैं ना दीशियो, इतना तो कर लिए मामा, है ना, थोड़ा तो हल्का फुल्का घपला चलेगा. तो स्टिल वर्किंग एंड इट्स, लेट मी शो यू द टाइम, इट्स डिनर है मेरा, बॉइल्ड वेजिटेबल्स, इसको थोड़ा सा इसमें हल्का सा हम लोगों ने सॉस मिलाया है शिजवान, और बाकी बस बाकी कुछ नहीं है, बॉइल्ड है बिल्कुल.